seal have been broken in my soul. Your souls belong to me. हाय गाइस, मैं हूँ इस वक्त हॉलीवुड के यूनिवर्सल स्टूडियोज़ में और प्लान है यहाँ पे आज हम लोग बहुत सारी राइड्स ट्राई करने वाले हैं और एक्सप्लोर करेंगे यहाँ पे क्या क्या है। वैसे गाइस, आज सैन डिएगो जाने का प्लान था जो यहाँ से 2.5 घंटे दूर है एलए से, साउथ डायरेक्शन में। बहुत ब्यूटीफुल सिटी है और गाइस एलए में क्योंकि एक हफ्ता कम पड़ गया तो हम लोग को लगा, क्योंकि आज हमारा लास्ट डे है एलए में, तो हम लोगों ने सोचा कि शायद जो एलए के बचे हुए स्पॉट्स हैं वो कवर कर लेते हैं आज। जितने भी आपके बिलोंगिंग्स हैं आपको स्कैन करनी होंगे यहाँ पे, फिर उसके बाद एंट्री होगी। ये गाइस था यूनिवर्सल स्टूडियोज़ का स्फीयर जो कि बहुत फेमस है, आपने काफ़ी लोगों के पिक्चर्स देखे होंगे यहाँ पे। फाइनली गाइस यूनिवर्सल स्टूडियोज़ में एंट्री हो गई है। पीछे बहुत बढ़िया, कोई तो हॉलीवुड मूवी का म्यूज़िक भी बज रहा है। ये गाइस स्टोर है यहाँ पे, एक यूनिवर्सल स्टूडियो स्टोर, अगर आपको कुछ यहाँ शॉपिंग वगैरह करनी है। मुझे यहाँ से कुछ खरीदने का मन नहीं है अभी। अगर गाइस आप यहाँ पर आ रहे हो और अगर आपको राइड्स के लिए पासेस चाहिए तो दो पासेस अवेलेबल हैं, एक रेगुलर पास एक एक्सप्रेस पास। तो रेगुलर पास है वो $139 पर पर्सन है और एक्सप्रेस पास $239 पर पर्सन है। डिफरेंस क्या है दोनों में, 139 में आपको लाइन में लगना पड़ेगा जब आप राइड्स लोगे, 239 में आप लाइन स्किप कर सकते हो एंड दे विल मेक श्योर कि आप वहाँ राइड ले सको। 139 में क्या है, अगर ज़्यादा लंबी लाइन हुई तो शायद आप वो राइड ना ले पाओ और ऑब्वियसली आपको वहाँ पे लाइन में खड़ा होना होगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। मैंने गाइस $139 वाला पास लिया है क्योंकि मैं वेट करूंगा और वैसे भी मुझे सारी राइड्स नहीं लेनी है। कुछ कुछ राइड्स में अगर मुझे वेट करना भी पड़े तो आई डोंट माइंड। ये गाइस यहाँ पे स्टूडियो टूर का साइन लगा हुआ है तो देखता हूँ अंदर क्या क्या है। Well, I am the train conductor of the Hogwarts Express, and we are in Hogsmeade. It's part of the Wizarding World. And if you were to go up into Hogwarts Castle, which is right up the high street, in that castle, you'll find the famous boy wizard known as Harry Potter. Okay, and got it. He is inside that castle. Okay, all right, guys. So we have to find Harry Potter now. Thank you so much for the information. हम लोग एक ride try कर रहे हैं। तो गाइज अगर हमने $239 वाला पास लिया होता तो हम लोग को यहाँ लाइन में वेट नहीं करना होता। ये गाइज फ़ोन से बना रहा हूँ यहाँ तक का वीडियो क्योंकि कैमरा मैंने वहाँ लॉकर में डाल दिया है तो थोड़ा शेक ही रहेगा। You are still too small. You must be more than goblin sized. कैमरा अलाउड था बट आपको वो जिस पोजीशन में फिक्स कर देते हैं यू कैन नॉट होल्ड अ कैमरा और योर फ़ोन। अब मैं आपको थोड़ा बताता हूँ कि वो राइड स्टार्ट हुई और वहाँ पे एक 3D स्क्रीन लगी हुई थी और 3D स्क्रीन में वही हैरी पॉटर का घर हो गया और वो सब था, पहाड़ वगैरह थे। हैरी पॉटर के जो कैरेक्टर्स हैं वो आपको गाइड करेंगे क्योंकि 3D एक्सपीरियंस है तो आपको सही में लगेगा कि आप उनके कभी घर के किसी नीचे से निकल रहे हो, कभी आप पहाड़ों में उड़ रहे हो और पूरा एक्सपीरियंस वो रियल लगता है। Side swap.
गाइस वीडियो लेना अलाउड नहीं था, बट मैंने गाइस आपके लिए वीडियो लिया, बहुत मज़ा आया। और मैंने फ़ोन से वीडियो लिया तो काफ़ी शेकी था, आपको ऐसा लगेगा कि आप ट्रांसफॉर्मर्स मूवी में हो, बिल्डिंग से नीचे गिर रहे हो, सामने कभी ब्रिज आ जा रहा है। और एक जो ट्रिक मुझे पता चली, यहाँ वेटिंग टाइम था 65 मिनट्स का, लेकिन एक अलग से लाइन बनी हुई है सिंगल राइडर्स के लिए। तो सिंगल राइडर्स का बेसिकली वो क्या करते हैं कि जो ग्रुप में लोग आते हैं उनके साइड में जो सीट्स बच जाती हैं वहाँ पर फिट कर देते हैं। तो मैंने वो किया, उससे वेटिंग टाइम 65 मिनट्स से रिड्यूस होकर सिर्फ 5 मिनट्स हो गया। तो ये भी एक ट्रिक है जो मुझे अभी पता चली। अब गाइस मैं मम्मी द राइड में गया था, तो वहाँ पे वेटिंग टाइम था 75 मिनट्स में, वहाँ पे देखता हूँ कि अगर कोई सिंगल राइडर्स वाला ऑप्शन अगर हुआ जिसमें कम वेटिंग टाइम हो तो मैं वो राइड भी ट्राई करूँगा। गाइस बहुत बहुत स्केरी राइड थी। मैंने कोशिश की मैं जितना कैमरे से रिकॉर्ड कर पाऊँ, क्योंकि एक टाइम ऐसा आया था स्पीड इतनी बढ़ गई थी कि मैं उसके बाद मेरा कैमरा ऑफ हो गया और बेसिकली मुझे नीचे रखना पड़ा, क्योंकि अगर वहाँ गिर जाता कैमरा तो फिर उसे ढूंढने में प्रॉब्लम आती है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, और मैं मिलता हूँ आपको अपने अगले वीडियो में।